हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्त, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे लारावेल फ्रेमवर्क पे। अगर आपको इसके बारे में पहले जानकारी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू करिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले दोस्तों ये समझ लेना कि MVC का मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का काम क्या है? मॉडल का काम स्टोर एंड मैनेज डाटा, एंड व्यू का काम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर के साथ उसका इंटरफेस। ठीक है, कंट्रोलर ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अभी हम देखेंगे इस वीडियो पे कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो दोस्त इसमें देखिए, ये मेरा डाटाबेस है, बाबा ढाबा न्यू मेरा डाटाबेस है। इसके अंदर एक कस्टमर्स टेबल है, इस टेबल के अंदर कुछ डाटा मेरा पड़ा है। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर .env। ठीक है, .env, इसमें देखिए मेरा डाटाबेस कनेक्टेड है। ठीक है, बाबा ढाबा न्यू ये मेरा डाटाबेस का नाम है, इसमें ऑलरेडी डाटाबेस कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको कमांड ओपन करना है, इसमें टाइप करना है आपको php artisan make colon model, इसके बाद मॉडल का नाम। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मेरा टेबल का नाम कस्टमर्स। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ से मेरे को टाइप करना है मॉडल का नाम कस्टमर। ठीक है, देन एंटर करना है। देखिए इसमें शो कर रहा है कि मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुल। अभी हम देखेंगे मेरा मॉडल कहाँ पे, किस पाथ पे सेव हुआ। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर आप है एंड मॉडल है। ठीक है, मॉडल के अंदर देखिए ये मेरा कस्टमर .php एक फाइल है। ठीक है, ये मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फिर अभी कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे इसमें अभी फिर कमांड ओपन करना है। ये मेरा कमांड है, इसमें आपको टाइप करना है क्या, php artisan make controller देखिए इसमें शो कर रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी चेक करेंगे कहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट हुआ। ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर http एंड कंट्रोलर। देखिए इसके अंदर बाबा न्यू कंट्रोलर मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें फंक्शन क्रिएट करना है, क्या फंक्शन गेट एट डाटा, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न करना है, रिटर्न इसमें मॉडल का नाम। ठीक है, मॉडल का नाम मेरा क्या है, देखिए ये मेरा मॉडल का नाम है। ठीक है, इसको इसमें टाइप करना है, देन कलन मेरे को ऑल डाटा शो करना है। ठीक है, कंप्लीट, देन सेव। इसमें आपको टाइप करना है यूज आप इसके बाद मॉडल्स देन मॉडल का नाम। ठीक है, सेव। राउट web.php, इसमें आपको राउट क्रिएट करना है, राउट कॉलन गेट। इसके अंदर दो पैरामीटर
पास करना है, पहला URL में जो टाइप करना है इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आप URL में टाइप करके शो करना है, ठीक है। देन अरे के फॉर्मेट में लेना है, इस पर आपको आपका कंट्रोलर का नाम ऐड करना है। कंट्रोलर का नाम क्या है इसमें, मेरा ये मेरा कंट्रोलर का नाम है, ठीक है। तो आपको इसमें टाइप करना है, ठीक है। देन कॉलन कॉलन क्लास कॉमा कोटेशन के अंदर आपको फंक्शन ये वाला इसमें डालना है, ठीक है। इसके बाद क्लोज करना है, देन सेव इसी हिसाब से करना है। अभी रेडी हो गया, अभी चेक करेंगे URL से। तो इसमें आपको आपका बाबा लिस्ट जो है ना इसमें टाइप करना है, इसमें टाइप करना है, एंटर करना है। तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, टारगेट क्लास बाबा नहीं कंट्रोलर, ठीक है। अभी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो सॉरी, इसमें मेरा कंट्रोलर जो है करेंगे, फिर सेव करके देखिए इसमें मेरा डाटा अभी शो कर रहा है। अगर और कुछ डाटा यहाँ से मैं इंसर्ट कर लूँ, वो इसमें मेरा डाटा ऐड हो गया, अभी रिप्लेस कर लेता हूँ। देखिए इसमें मेरा डाटा शो कर रहा है। इसी प्रकार आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि और डिस्कस हम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बगल वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए उतना ही, फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे।